तुम्हारी जीजाजी की तरफ से मैं तुम लोगों से माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने वाली कौन सी बात, भोजपुरी भाषा में क्यों बोल रहे हो? भोजपुरी पिक्चर देख कर आ रहे हैं ना जीजाजी? अंदर आओ। बात नहीं, आ जाओ जाओ। अरे तुम दोनों आ गए, हाय। इन दोनों को क्या हो गया आज? रोज तो मैरिजी करते नहीं थकते थे, आज हाय भी नहीं किया। भूत्रीना जी आके तुम दोनों का खेल खत्म कर देगी। तो अगर भूत्रीना ये आई तो हमारा क्या होगा? हमारे पास तो हमारे हथियार भी नहीं है। प्यारे, यहाँ तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। अब क्या करें? अब क्या करेंगे? सब तेरी वजह से ही हुआ है, तेरी वजह से ही हम यहाँ फंसे हैं। क्यों तू अपने हथियार बाहर छोड़ के आया? पहले तू अपने हथियार बाहर छोड़ के आया। सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई। सॉरी क्या? वेल थैंक यू। प्यारे, तेरी जेब से भूतोमीटर और स्मोक बम गिरा। ये देख। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। अब हम बच जाएंगे प्यारे, क्योंकि अब ये स्मोक बम फूटेगा तो भूत अपने मुंह पे चांटे मारने लगेंगे। या एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? इसे जलाएंगे कैसे? माचिस तो लाया ही नहीं। सॉरी। सारे काम आधे करता है तू, हर काम आधा करता है। मैं क्या करूं? हेलो, भूत्रीना जी, वैसे मुझे बताने की आदत तो है नहीं, फिर भी बताता हूँ। आपके शिकार इस पिंजरे में कैद है, पकड़ लो दोनों को। चलो। एक मिनट, दरवाजे से नहीं, हो सकता है गलती से एक आठ गैजेट उनके पास रह गया हो। तो क्या करें हम? हम डायरेक्टली अंदर जाएंगे और उन पर पीछे से हमला करेंगे। बेवकूफ, बोलो कहाँ है? पता नहीं, मैंने तो यही बंद किया था उनको। अब भूत्रीना के आने से पहले पहले निकल लेते। हाँ, निकल लेते हैं, बच गए। एक मिनट, चलो, मेरे भूतों मीटर तो अंदर ही रह गया। लेकर। चल। लगता है वो लोग भाग गए। चलो। ये रहा। बेवकूफ, वो लोग तो अंदर नहीं है। यही होना चाहिए। तो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गई। हाँ, काश मेरे पास मेरी गन होती तो उस काली कलूटी बैंगन लूटी भूत्रीना दीदी का किस्सा ही खत्म कर देता आज। क्यों भूत्रीना दीदी? बस्की, जाओ इनका पीछा करो। जी। हाँ, ये वो लॉकर खोल दे। ससुरा भूतो मीडिया नहीं है, हाय, ये टूटा हुआ है। और तो इसका मतलब कोई चुरा कर तो नहीं ले गया? अरे बाप रे, कहाँ ढूंढेंगे? हाय प्रीतम प्यारे, व्हाट्स अप बॉयज, कैसे हो हीरो लोग? हाय ससुरा, ये देख नूडल वाला जोकर। कौन सर्कस में काम करते हो भाई? हाँ? मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम दोनों? ए सड़े हुए टमाटर, हम कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते, का समझे? अब नहीं है। पता है तो हर शक्ल ही ऐसी है मजाक उड़ाने वाली। गधा? गधा किसको बोले? मारेंगे तो कभी।
तमीज से बात कर मुझसे वरना वरना क्या कर लेगा ससुरा, तेरे इन नूडल का रस्सी बना के हमरे गले में बांध देगा। क्या करेगा, बीमार हो गया है। गधे की पूंछ में मक्खन डुबोगा, चूसा करो है? ठीक हो जाओगे। ये तो हमको भी नहीं बोले कभी। अरे कोई बात नहीं, ये कौन सा नुस्खा है? तुम दोनों को ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा प्रीतम प्यारे। अरे जल चल काम कर अपना, हमको नहीं समझा। फुट फुट। अच्छा ठीक है, मैं चल फुट हो जाता हूँ, लेकिन तुम लोग एक बात याद रखना, आज के बाद मैं तुम दोनों से बात भी नहीं करूंगा और तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूंगा। हम कौन से मरे जा रहे हैं, तुम नहीं करो बात। चल जा। हट 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 फुट। चल चल चल, बहुत मजाक हो गया। एक काम करते हैं, पहले भूतोपीडिया ढूंढते हैं। रुक, पहले गया क्या? नहीं दिखा, गया। चल 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 चल। अरे लेकिन भूतोपीडिया ढूंढेंगे कहाँ? ढूंढेंगे कहाँ? कहाँ होगा ससुर, यही कहीं जाएगा कहाँ? चल 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 ढूंढते हैं। भाई साहब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं भी 150 साल से वही ढूंढ रहा हूँ। ओहो बेचारे, तो चलिए अब साथ में ढूंढते। चलिए 150 साल से वही ढूंढ रहा है। अरे ये तो भूत है। भूत का बच्चा है भाग। पास बताना, मैं मम जला दूंगा, जल के राख हो जाओगे सारे। अरे लेकिन कैसे जलाएगा, जलाने के लिए माचिस का है हमारे पास, अंदर बताया तो था। चुप रह। बेवकूफ, आप तुम दोनों नहीं बच सकते। अब देखो कैसे तुम्हारा बैंड बजाता हूं। अरे पीछे बावरे। हाँ ये लाठी हमार भूतोपीडिया ढूंढने में मदद करेगी। ये लाठी? हाँ कैसन? जैसे ही लाठी हम भूतोपीडिया के करीब लेके जाएंगे, एक बलुआ जलेगा। तो चलो जलवा शुरू करते। चलती। हाँ। क्या कर रहे हो भैया? सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहा है तेरी? हाँ तो आप क्या कर रहे हो? कछु मिल का है नहीं रहा है। अरे हमको क्या पता। मावरा क्या कर रहा है? अरे तो
तनिक थक गए इसलिए गाड़ी में बैठ के गांव जा रहे थे। भक दिमाग खराब कर रहा है, उठो और भूतों पीटिया ढूंढने में हमार मदद करो। नहीं नहीं अभी हम बहुत बोर हो गए, आराम करने का मन कर रहा है, तनिक आराम कर। आराम की बात की तो लाठी देंगे खींच के। ए, का कही लाठी दोगे? लाठी देंगे। अरे हमको का वो प्यारे समझ के रखा है जो फिर तुम समझ के हम पे धौस जमा रहे हो? तुम्हारी दादागिरी हम पे नहीं चलेगी। हाँ का समझे? नहीं है। हाँ पता है पता है। तनिक बड़े भाई से ऐसा बात करोगे? हाँ ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे बेइज्जती करोगे? हाँ करेंगे। लाठी देंगे खींच? हाँ तो दो ना। हाँ दिखाई तो का? हाँ तो दिखाओ। हाँ तो दिखाते हैं। दिखाओ दिखाओ। हाँ तो डर रहे हैं हमको? हम डरते हैं का किसी से? हमको डर नहीं है। ये 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 तोड़ दिया जब मार डाला। नहीं छोड़ूंगा। जानू इन्होंने जानबूझकर नहीं मारा, आप बीच में आ गए हैं, दोष आपका है सारा। आई मार डाला गुग्गी, मार डाला। देख क्या रहे हो, जाओ दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो वरना दूंगा। जा रहे जा रहे जा। ये प्रीतम प्यारे की जुड़वा भाई कहीं कुंभ के मेले में बिछड़ा तो नहीं गया था? नहीं नहीं जानू, इन्होंने कभी नहीं देखा कुंभ का मेला। पता नहीं कैसे हो गया ये झमेला। मार डाला गुग्गी, मार डाला। वाह जीजा जी वाह, ये तो बहुत गलत बात है ना। एक तो हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारे घर से बाहर जाते ही हमारे हमशक्ल को घर पे ला कर रख दिया। ओए मोटे, हम तेरे हमशक्ल नहीं है, तू हमारा हमशक्ल है। हाँ हम असली है, तुम दोनों नकली हो, समझे? ए मोटे, तू नकली नहीं है, तू हम नकली नहीं, तू नकली है। ए प्रीतम, तुझे अगर झगड़ा करना है तो तेरे हमशक्ल से करना, मेरे हमशक्ल को अगर मोटा कहा ना तो खबरदार। हाँ ए मोटे, झगड़ा करना है तो अपने हमशक्ल के साथ कर, खबरदार मेरे हमशक्ल कुछ कहा तो। ए प्रीतम, इसका कहने का मतलब है तू मेरे हमशक्ल के साथ लड़ाई करना चाहता है? अरे यार मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। चुप। मैं तय करूंगा तुम में से असली कौन है और नकली कौन है। सबसे पहले अपनी जन्म तारीख बताओ। 21 मई 1991। तू खींच के, तू एक 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 करके बताओ। अब प्रीतम बताओ। 21 मई 1990। दोनों की बर्थडे तो सेम ही है। खैर प्यारे अब तुम बताओ अपनी जन्म तारीख। 21 मई 1991। लो बर्थडे तो सही बता रहे। अच्छा ये बताओ, जब मैं गुस्से में आ जाता हूँ तो तुम लोगों को कहाँ भेजने की धमकी देता हूँ? बरिंदा। ओ अब बताओ अब क्या करें? ये भी जानते हैं। एक मिनट ये जी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे प्रीतम का प्रीतम और प्यारे का प्यारे हो जाएगा। मेरी जी, मैं हमेशा आपको कहा जाने के लिए बुलाता रहता हूँ। नारियल पानी पीने। सही जवाब, इसका मतलब मैं ही असली प्यारे हूँ। यस। ओए परीक्षा मेरी की नहीं तुम चारों की हो रही है। ओ सॉरी। थैंक यू। बस बहुत हो गया। थैंक यू। बहुत हो गया। निकलो मेरे घर से बाहर निकलो, नहीं तो नहीं। जानू गुस्से पे डालिए थोड़ा सा आइज, इन चारों में से कोई दो तो है मेरे असली भाई। खैर
तुम्हारी खातिर 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। 24 घंटे में मुझे पता चल जाना चाहिए कि असली कौन है और नकली कौन है, नहीं तो मैं चारों को घर से बाहर निकाल दूंगा। All the best, असली भाई। चलो। असली कौन है? 24 घंटे, 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। आप हमें कोई ज्यादा देर बेवकूफ नहीं बना सकते। बिरजू भैया, तो जल्द से जल्द भूत और पीढ़ियों का पता लगा लेते हैं और यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। कहा कही हम ना रही। हाँ पता है, पता है। चलिए प्यारे, अब क्या करें यार, भूत होता तो मैं भगा देता, इन हमशक्लों को कैसे भगाए। तुझे हमशक्ल की पड़ी है, मुझे तो यार कॉम्पिटिशन की टेंशन हो रही है। कॉम्पिटिशन? कैसे कॉम्पिटिशन? अरे पहले मेरी जी के साथ नारियल पानी पीने के लिए सिर्फ तेरे साथ कंपटीशन होता था, अब दो लोग और बढ़ गए हैं। और वो मेरी जी ने तो मुझे पहचाना तक नहीं। मुझे भी नहीं। पहचाने से इनकार ही कर दिया। और कितने अच्छे पल बिताए हैं मैंने मेरी जी के साथ। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे इडियट, मैं फ्लैशबैक में देख रहा हूँ। हो फ्लैशबैक तो ऐसा बोलना, चल वापस देखते हैं। प्यारे एक काम कर, तू मेरी जी से रिश्ता तोड़ दे। सही कह रहा है तू प्रीतम, मैं मेरी जी के साथ रिश्ता तोड़ दूंगा। और ए? मैं क्यों मेरी जी के साथ रिश्ता तोड़ू? तू तोड़ना। भाई तुझे मौका देता है। ये कैसा मौका है? ये तेरा भाई तुझे वो मौका वापस लौटाता है, तू तोड़। अच्छा ठीक है, एक मिनट, हम दोनों ही रिश्ता तोड़ते हैं। ये सही है, दोनों तोड़ते हैं। हम दोनों मैरिज के साथ नारियल पानी पीने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, दोनों नहीं जाएंगे। अरे हमारी भी कोई इज्जत है, हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। दोनों की है। दोनों नहीं जाएंगे? दोनों नहीं जाएंगे। पक्का नहीं जाएंगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस। चलो मेरी जी का तो हो गया, लेकिन उन हमशक्लों का क्या करना है वो तो भूल ही गए, उन्हें कैसे भगाए? आइडिया, भूत मारे जी से पूछते, उनकी हेल्प लेते हैं। भूतमारी जी, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, हमें आपकी हेल्प चाहिए भूतमारी जी। अच्छा, मेरी हेल्प चाहिए? जिसका चेहरा सड़े हुए टमाटर जैसा है उसकी हेल्प चाहिए, जिसके बाल नूडल्स जैसे हैं उसकी हेल्प चाहिए। क्यों क्यों क्यों? कितने जिंदा दिल इंसान, अपने ऊपर ही जोक्स मारते हैं। हाँ, सच कहने से बिल्कुल नहीं कतराते। ये शाना बनना है क्या? अपने आप पे मैं नहीं जोक मार रहा हूँ, ये जोक तुम लोगों ने मुझ पे मारा था। क्या बात कर रहे हैं भूतमारी जी, आप तो हमारे गुरु जी जैसे हैं, आप पे हम कैसे जोक्स मार सकते हैं? अच्छा अच्छा, गुरु जैसे हैं। शाने लो, एक बात याद रखना, आज के बाद अगर तुम दोनों ने मुझे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की ना, तो तुम दोनों को उठा के साउथ अफ्रीका ले आऊंगा और शेरों के बीच में डाल दूंगा। ओके? नो, प्रीतम ये तो कह रहे हैं कि हमने इनका आंसर किया, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर हम पर ऐसा गलत इल्जाम क्यों लगा रहे हैं ये? ठीक कह रहे हैं प्यारे, हमने कुछ नहीं किया,
लेकिन ये डुप्लीकेट्स ने हमारी रेपुटेशन खराब कर दी। हाँ प्रीतम, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। भूतमारी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। सॉरी भूत। है ना, ये तो गेट आउट बोलने से पहले ही लॉकआउट हो गए। कोई बात नहीं। अरे क्या कोई बात नहीं प्रीतम, अब हम क्या करेंगे भूतमारी जी के बगैर? जीजाजी ने हमें सिर्फ 24 घंटे दिए हैं। अब इन 24 घंटों में हम लोग कैसे साबित करेंगे कि हम लोग असली हैं और वो दोनों नकली?